आइए प्रशांत भाई जल्दी करें प्रशांत, गीत को सुनेंगे सभी। और इस गीत में कुछ बातें मैं आपको ऐसी बताने के लिए ना जा रहे हते। चले जाओ सोमदेव महाराज, चले जाओ भैरव बाबा, चले जाओ और चांद भाव के चल कपड़ा पहन गई हो। आइए अब आप सभी भक्तों से, अब मैं मजाक नहीं करूंगा आपसे और ना ही आप मजाक करेंगे किसी भक्त से, आपसे हाथ जोड़ करके और पैर छू करके मेरा निवेदन है इस गीत को बड़े ही प्रेम से सुनेंगे। कोई भक्त हाथ नहीं उठाएगा और मीठी मीठी तालियां बैठे ही बैठे बजाएंगे सभी भक्त। और कहा किसी ने एक गीत बजा, अरे रिम झिम बरसता सापन होगा। और मैं भी चाहता हूं सभी से क्या माँ से अनुरोध करूं हे मैया, अरे रिम झिम बरसता सापन होगा, झिलमिल सितारों का आनंद होगा। और अरे कितना सुंदर सपना अपना आनंद होगा, रिम झिम चढ़ों में ध्यान देते हुए इस भजन का आनंद लेंगे। किसी ने कहा है क्या, भक्त बदले तो क्या बदले, के भक्त बदले तो क्या बदले, जमाने की हवाएं बदल जाती हैं और गैर तो गैर हैं अपनों की, ये निगाहें बदल जाती हैं। गैर तो गैर हैं अपनों की भी निगाहें बदल जाती हैं। क्यों कहना है इन बातों का, क्या भक्त बनता है तो सब और घेर लिया करते हैं, और भक्त बिगड़ता है तो अपने भी मुंह फेर लिया करते हैं। जब वक्त बिगड़ता है तो अपने मुंह फेर लिया करते हैं, और जब वक्त बनता है तो अपने भी घेर लिया करते हैं। ये मोहमाया का संसार है। सभी से कहना चाहूंगा एक बात पर मेरा ध्यान रखना मेरे जाने के बाद भी, क्या के काम के लोग चंद मिलते हैं और इस बुद्धि से भी मध्य मंद मिलते हैं, और जब आता है बुरा वक्त इंसान पर तो अपनों के भी दरवाजे बंद मिलते हैं। जब अपने पर कोई बुरा वक्त आता है तो अपनों के दरवाजे बंद मिलते हैं। जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं उस समय एक दरवाजा खुला हुआ करता है, वो ना ही इसका और ना ही किसी का, वो दरवाजा है माँ और बाप का। बेटा भले कितनी भी गलती कर दे और बेटा रूठ जाए अपनी गलतियों पर ही, बेटा की भले लाख गलती हो बेटा रूठ जाए और खाना को त्याग दे, जी बेटा खाना त्याग दे और खाना नहीं खाए तो उसकी मैया कहती है बेटा खाना खा ले, पुचकार दिया है लाला खाना खा ले। इसलिए जब मैया की ये बात मैंने सुनी कि माँ अपनी गलती ना होने पर भी बेटे की गलती होने पर भी उस बेटे को मनाती है, तो यहीं से मेरे गुरुदेव ने एक लाइन लिखी, वो क्या लिखी, ऊंचा गुरु से, अरे ऊंचा गुरु से कोई स्थान ही नहीं है इस दुनिया में, किसी का भी स्थान हो माँ या बाप या बहन या भाई, किसी का स्थान नहीं है जो सबसे ऊंचा स्थान मेरे गुरु का बताया गया है। मेरे ही गुरु का नहीं, जिन जिन लोगों के गुरु हैं गुरु का ऊंचा स्थान दुनिया में सबसे बड़ा है बताया गया है। इसीलिए कहूंगा क्या,
अरे ऊंचा गुरु से स्थान ही नहीं है, जैसा ऊंचा गुरु से कोई स्थान नहीं है वैसे ही। और ये लाइन अच्छी लग जाए, आपके दिल को छू जाए, तो एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। क्यों मुंह से कह करके तालियां बजवाना और इशारे करके तालियां बजवाना, एक ये मदारी का काम हुआ करता है, ना के गाने वाले का। आपको लाइन कोई भी अच्छी लगती है और ये लाइन अच्छी लगे तो जोरदार तालियां। अरे ऊंचा गुरु से कोई स्थान ही नहीं है, जैसे ऊंचा गुरु से स्थान नहीं है वैसे ही। ऊंचा गुरु से कोई स्थान ही नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान ही नहीं है। ऊंचा गुरु से कोई स्थान नहीं है, माँ बाप से भगवान नहीं है। अरे ऊंचा गुरु से स्थान ही नहीं है, माँ बाप से बढ़कर भगवान ही नहीं है। ऊंचा गुरु से पैसा लौटाती है, मगर एक बढ़िया बातों की कदर एक बढ़िया व्यक्ति किया करता है। और ये 20 रुपए की बार वंदना हमारे अंकल जी की तरफ से आई है, मैं अंकल जी को बार बार वंदन करूंगा, अभिनंदन करूंगा। और ये 10-10 रुपए की वंदना है दोनों बहन जी की तरफ से आई है। एक बार इन दोनों भक्तों के लिए, चारों भक्तों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। क्यों वो गीत ही नहीं जिसमें कोई तान नहीं है, और वो इंसान ही नहीं जिसके अंदर कोई मान नहीं है। इन पत्थर की मूर्तों को पूजने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। जब माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है तो किस बात का सोचना। तब कहा अरे इन दोनों से बढ़कर कोई, इन दोनों से बढ़कर कोई गुणवान ही नहीं है। अरे इन दोनों से बढ़कर कोई गुणवान ही नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान ही नहीं। जय हो, जय हो काली काली, विजय चली जाते हैं। स्थान नहीं है और माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, नहीं है। अब तीसरा बंद सुने, दूसरा बंद पहला बंद सुनेंगे और तीसरी बात। आप दुनिया में कितने भी पैसे वाले हो, अरे दान में चाहे बेशक तुम, अरे दान में चाहे बेशक तुम, अरे चाहे तो धन दान करो, दान चाहे किसी को धन दान कर दीजिए। अरे दान में चाहे बेशक तुम कितना भी धन दान करो, और उस धन से भी बढ़कर दुनिया में, धन से भी बढ़कर दुनिया में बेशक तुम तन दान करो, धन से भी बढ़कर दुनिया में बेशक से भी बढ़कर चाहे इस तन को दान करो दो। मगर सबसे बड़ा दान कौन सा है, कोई भक्त बताएगा सबसे बड़ा दान कौन सा है? हम बताएंगे। इस तन से भी बढ़कर किसी को हम तन दान कर दें, मत तन से भी बढ़कर दान कौन सा है? आप सभी बहनों को पसंद आया तो अपने लिए जोरदार तालियां, मेरे लिए नहीं। क्यों? अरे धन से भी बढ़कर चाहे बेशक तुम तन दान करो, अरे एक कन्यादान से बढ़कर कोई दान ही नहीं है। अब आप अच्छी लगी तो मीठी मीठी तालियां। अरे एक कन्यादान से बढ़कर कोई दान ही नहीं है, वैसे ही माँ बाप से बड़ा कोई भगवान
भगवान नहीं है, स्थान नहीं है और कन्या दान से बड़ा कोई दान नहीं है। अब दूसरा बंद, क्योंकि ये लाइव भी चला है, यूट्यूब भी चला है और इस गीत को आप सुन रहे हो और इसी गीत को यूट्यूब के माध्यम से सभी भक्त सुनेंगे, वो भी देखेंगे किसी लिखने वाले ने कितनी सुंदर पंक्ति लिखी। वो क्या? अरे नदी नर्मदा चाहे तुम, ये नदियों के नाम है, नदी नर्मदा चाहे तुम जाके नहा महानंदा है, महानंदा भी एक नदी है, नदी नर्मदा चाहे तुम नहो जाए महानंदा है, पर जमुना गोमती ये भी नदियों के नाम है, अरे जमुना गोमती नहा के कोई तराना अब तक बंदा है, जमुना गोमती नहा के कोई तराना अब तक बंदा है, जमुना गोमती। नदी नर्मदा चाहे तुम जाओ नहाने महानंदा है, और जमुना गोमती नहा के कोई तराना अब तक बंदा है, क्यों नहीं तरा? और सबसे बड़ा स्नान कौन सा है? आप इनमें जाके स्नान करिए, वो स्नान नहीं माना जाता, हमारे स्नान सबसे बड़ा कौन सा स्नान होता है? अरे गंगा स्नान से बढ़कर, गंगा स्नान से बढ़कर स्नान ही नहीं है। हमारे बुजुर्ग भी कह देते क्या चलते रहे, क्या कह देते, सब तीर्थ बार बार और गंगा स्नान एक बार। तो एक बार गंगे मैया के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे सही बात। अरे गंगा स्नान से बढ़कर स्नान ही नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान ही बन सुनेंगे। अरे माता पिता की जिसने भी, अरे माता पिता की जिसने भी देखो भक्तों की सेवा, अरे माता पिता की जिसने भी देखो भक्तों की सेवा, अरे लिखा है ये सत्य गीता में उसको मिली सदा मेवा, लिखा है ये सत्य गीता में उसको सदा मिली मेवा, लिखा है ये सत्य गीता में उसको मिली है सदा मेवा। तो यहीं से कवि ने कह दिया, गीता से बढ़कर कोई ज्ञान ही नहीं है, गीता से बढ़कर कोई ज्ञान ही नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान ही नहीं है। हुए अंतिम मन, उसके बाद बालाजी महाराज की झांकी है। क्यों कहना इन बातों का? एक बात बताने के लिए जा रहा हूं चार लाइनों में, आप गौर कर लेना। क्यों? प्रेम और यारी में, किसी रिश्तेदारी में ननिहाल जैसा लगाव नहीं मिलता। हमारे बुजुर्ग भी कह देते हैं कि ये बच्चा संसार में रह करके बहुत बिगड़ गया है, इसे प्यार मोहब्बत नानी नाना की ज्यादा मिली है, इसलिए कहना है मेरा, प्रेम और यारी में किसी रिश्तेदारी में ननिहाल जैसा लगाव नहीं मिलता, पुण्य और पाप का मंत्र और जाप का इस माँ के जैसा हिसाब नहीं मिलता। इस माँ का क्या हिसाब है? माँ के दो बेटा हो,
अरे एक चलता हो अच्छाई की तरफ और एक चलता हो बुराई की तरफ, मगर मैया के लिए कैसे? एक बेटा पुण्य करे, एक बेटा पाप करे, पर माँ के दिल में दोनों में दुराव नहीं मिलता। माँ के लिए दोनों बेटा समान है। अब आने वाली पंक्ति आपको पसंद आ जाए, एक बार बहुत तारीफ चाहूंगा, क्यों आप कितने भी पैसे वाले हो और अपने पैसे को लेकर के बाजार में जाओ, तुम्हारे जो दिल में चीज भर रही है उसको फौरन खरीद लोगे। मगर जो बताने के लिए जा रहा हूँ वो ऐसी चीज है, आप पर कितने भी पैसे हो आप बाजार में उसे जाकर के कभी खरीद नहीं सकते। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ बात को, कि आप बाजार में जाकर भी उस चीज को नहीं खरीद पाओगे। वो क्या चीज है और आपको लग जा सकते है और हमने भी उसका ग्रहण किया है, उस चीज को ग्रहण किया है, तो एक बार उस चीज के लिए जोरदार ताली। वो क्या? अरे एक बेटा पुण्य करे, एक बेटा पाप करे, माँ के दिल में दोनों में तो राव नहीं मिलता। और अरे खोजिए बाजार में, ढूंढिए संसार में, खोजिए बाजार में, ढूंढिए संसार में, माँ का दूध मोल किसी भाव नहीं मिलता। किन किन भक्तों को पसंद आई लाइन कि माँ का दूध मोल किसी भाव नहीं मिलता, तो एक बार उस दूध के लिए जोरदार तालियां। क्यों? माँ का दूध उस शेरनी का दूध है जिसे बच्चा पी करके हर जगह दहाड़ दे सकता है। अब अंतिम लाइन मेरा क्या और कहां इशारा करती है? अरे चीन रूस हो चाहे वो, अब ये देशों के नाम आ रहे हैं। अरे चीन रूस हो चाहे वो देश, वो देखो हो लंदन, चीन हो या रूस हो चाहे वो लंदन हो, अरे चीन रूस वो चाहे देश वो देखो हो लंदन, पर अरे सारे देश मिल करके मेरा भारत का करते बंधन, सारे देश मिल करके मेरा भारत का करते बंधन, सारे देश मिल करके, सारे देश मिल करके मेरे भारत का आज बंधन कर रहे हैं, क्योंकि आज से मोदी सरकार पहले मोदी सरकार नहीं थी और अब मोदी सरकार है, तो अब मेरा मोदी के जरिया से मेरा भारत देश सब प्रथम पहली पदवी पाने की ओर जा रहा है। अभी पहले नंबर पर तो नहीं आया, अब पहले नंबर पर आ जाएगा। ऐसे ही आप अपना सभी का साथ और सभी का विकास करते रहोगे तो अपने आप ये भारत नंबर वन हो जाएगा। इसलिए कहा सारे देश मिल करके मेरे भारत का करते बंधन, सारे देश मिल करके, और इस लाइन को क्यों कह रहा हूं? आपको भी गर्व है कि आप भारत में हो। क्यों? अरे देश मेरे भारत जैसा, अरे देश मेरे भारत जैसा महान ही नहीं है। जैसा मेरा भारत देश महान है, ऐसा कोई भारत देश किसवा और कोई देश महान नहीं है। हम कह देते हैं अपने भारत को सोने की चिड़िया। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये कहा जाता हो, हम भारत को कहते हैं सोने की चिड़िया, भारत माता। मगर आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि चीन माता या इंग्लैंड माता या अफ्रीका माता। इसलिए हमें गर्व है अपने भारत पर। एक बार भारत के लिए जयकारे लगाएंगे, प्रेम से कहेंगे, सभी कहेंगे प्रेम से, बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या बात है? इसलिए कहा अरे देश मेरे भारत जैसा महान ही नहीं है, और राष्ट्रगान से बढ़कर कोई गान ही नहीं है। अरे लक्ष्मण कहते इससे बढ़कर गान ही नहीं है। अब एक बार अपने अपने माँ बाप के लिए बिल्कुल सीधे हाथ, उसके बाद बालाजी महाराज की झांकी का दीदार करेंगे, बिल्कुल सीधे हाथ और मीठी मीठी तालियों साथ दोनों के माध्यम से, और माँ बाप से बड़ा कोई भगवान ही नहीं नहीं।
आइए, ये गीत अच्छा लगा हो तो